हेलो गाइस, नीलूस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बॉम्बे स्टाइल आलू फ्रेंकी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बिल्कुल रोड साइड पे जो स्ट्रीट फूड पे मिलती है उसी स्टाइल की है। और खाने में ये बहुत मज़ेदार है, साथ ही बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंकी के रोटी के लिए हमें सबसे पहले आटा लगाना है। तो इसके लिए हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा, फिर हम लेंगे 1/2 कप मैदा। अगर आपको मैदा स्किप करना हो तो आप कर सकते हैं, इसकी जगह आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। घी डालने से हमारी रोटियां बहुत देर तक सॉफ्ट रहेंगी और उसमें स्वाद थोड़ा ज्यादा अच्छा आएगा। अब हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक और डालेंगे व्हाइट पेपर पाउडर। इसे थोड़ा हमारे रोटी को स्पाइसी टच मिलेगा, जिससे बहुत ही टेस्टी फ्रेंकी बनेगी। अब हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर हमें इसका आटा गूंद लेना है। हमें इसे ठंडे पानी से ही आटा गूंदना है, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं सिंपल चपाती के लिए, उसी तरीके से हमें आटा गूंद लेना है अच्छे तरीके से मसल मसल कर। अब देखिए हमारा आटा अच्छी तरीके से गूंद चुका है। अब हम इस पे थोड़ा सा तेल लगाकर इसे थोड़ी देर रेस्ट करने छोड़ देंगे। और जब तक ये रेस्ट होता है तब तक हम हमारे आलू के टिक्कियां रेडी करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे 3 आलू, इसे हमें अच्छे से मैश कर लेना है। फिर डालेंगे 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1/2 कप ब्रेड क्रम, फिर डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 मुट्ठी डालेंगे हरा धनिया जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है, और डालेंगे 7 से 8 हरी मिर्च। मिर्च आपके स्वादनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि जो हमारा ब्रेड क्रम जो है वो आलू में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ब्रेड क्रम डालने से एक तो हमारे आलू में बाइंडिंग आएगी और जो आलू की टिक्कियां हैं वो बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनेगी। हम यहाँ पे आलू के टिक्कों को शैलो फ्राई करेंगे। अगर आपको डीप फ्राई करना हो तो आप इसमें चावल का आटा और थोड़ा कॉर्नफ्लोर डालकर इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। अब देखिए ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है और अब हम इसकी गोल टिक्कियां बना लेंगे। आपको अगर इसे रेक्टेंगल शेप, ओवल का शेप या सिलेंडर शेप देना हो तो भी आप दे सकते हैं आपकी इच्छानुसार, लेकिन यहाँ पे हमने फिलहाल राउंड शेप की टिक्कियां बनाई है, जैसे रोड साइड पे जो स्ट्रीट फूड पे मिलती है बिल्कुल वैसे ही। और इसी तरीके से हम बाकी के सारे टिक्कियां रेडी कर लेंगे। देखिए ये अच्छे तरीके से राउंड शेप में टिक्कियां बन चुकी है। तो बाकी सारी टिक्कियां भी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। तो तवे पे हमने 1 टेबल स्पून बटर डाला है और इसे हमें अच्छे तरीके से शैलो फ्राई करना है। अगर आपको बटर न लगाना हो तो आप तेल और घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे बटर का इस्तेमाल किया है। अब हमें इसे दोनों साइड अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने तक और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जब ये शैलो फ्राई होती है बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही मजेदार और बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो देखिए एक साइड से ये लाइट गोल्डन ब्राउन हुई है, लेकिन हमें इसे और गोल्डन ब्राउन करना है तो दूसरी साइड भी हमने पलट दी है। तो इसे आपको फुल आंच पे धीमी आंच में ऐसे ही करके फ्राई करनी है। तो देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। अब टिक्कियां तो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर सर्व करने के लिए एक बहुत ही टेस्टी खट्टी और तीखी सैलेड बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने बहुत ही ज्यादा बारीक कटी हुई कैबेज ली है, बंद गोभी लगभग 1 कप, इसे हमने बहुत ही बारीक बारीक कट किया है, जिसे हम जूलियन कट कहते हैं उस टाइप में हमने कट किया है, हमने इसे बारीक चॉप नहीं किया है, इस तरीके से लंबा लंबा कट किया है। फिर हम डालेंगे यहाँ पे गाजर, इसे भी हमने बहुत ही बारीक लंबा लंबा कट किया है, इसे जूलियन कट कहते हैं। फिर हम डालेंगे प्याज, प्याज यहाँ पे हमने ली है 1/2 कप, गाजर हमने यहाँ पे 3/4 कप ली थी, और प्याज अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप 1 कप भी ले सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे
नींबू का रस, यहाँ पे हमने एक नींबू का रस लिया है जिसे हमारी सैलेड बहुत ही मजेदार बनेगी। अब डालेंगे हम हरी मिर्च, हरी मिर्च से इसमें थोड़ा स्पाइसी पंच मिलेगा इसे, तो इसका जो फ्लेवर है वो दुगना हो जाएगा। अब डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया और डालेंगे नमक। नमक यहाँ पे हम हमारे स्वाद अनुसार लेंगे, यहाँ पे मैंने आधा टीस्पून नमक ली है। अब इन सारी चीजों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि हमारा जो नींबू का रस और जो नमक है वो सारी सब्जियों में अच्छी तरीके से आ जाए। अब हमारी सैलेड भी रेडी हो चुकी है, अब हम बनाएंगे फ्रेंकी के लिए रोटी। तो देखिए आटा अच्छे से रेस्ट कर चुका है, अब हमें यहाँ पे बड़ी बड़ी रोटियां बनानी है। तो देखिए हम इसे बेल रहे हैं, छोटा सा हमने एक पेड़ा ले लिया था और इसकी हमें इतनी बड़ी रोटी बनानी है। तो अब हमें रोटी को अच्छी तरीके से सेक लेना है। यहाँ पे मैं इसे सेकने के लिए घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप यहाँ पे बटर या ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी का स्वाद बहुत ही अच्छा और बेहतर लगता है, तो यहाँ पे हम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं और दोनों ओर थोड़ा थोड़ा घी लगाकर हम इसे सेक रहे हैं। देखिए ये एक साइड से दूसरे साइड हमने घी लगा लिया है, अब हम इसे पलट पलट कर सेक लेंगे। अब इसी तरीके से हमें बाकी के सारी रोटियां बनाकर रेडी कर लेनी है। इस रेसिपी को आप आपके बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, बच्चे बहुत ही शौक से इसे खाते हैं और ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी भी होता है। मैं अपने बच्चों के टिफिन में इसे अक्सर दिया करती हूँ, ये उनकी फेवरेट टिफिन रेसिपी है। तो देखिए हमने इसे बना लिया है और इसी तरीके से हम बाकी के सारी रोटियां रेडी कर लेंगे। तो चलिए अब रोल बनाने की या फ्रेंकी बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक रोटी ले ली है, इसके ऊपर हम डालेंगे सेजवान सॉस लगभग एक टेबल स्पून, फिर डालेंगे थोड़ा सा टमाटो केचप और डालेंगे वेज मेयोनीज। इन तीन चीज जब एक साथ मिक्स होती है तब इनका टेस्ट बहुत ही उम्दा, बहुत ही लाजवाब होता है, आप ट्राई जरूर करिएगा। तो देखिए इन तीनों चीजों को हमने मिला दिया है, अब हम इसके ऊपर रखेंगे हमारे आलू की टिक्की, लेकिन टिक्कियों को हमने आधा आधा कट कर लिया है तभी ये रोल होने में आसानी होगी हमें। तो देखिए आधा आधा करके हमने इसे अरेंज कर लिया है, अब हम इसके ऊपर रखेंगे सैलेड जो हमने बना के रखी हुई थी, हमारी खट्टी स्पाइसी सैलेड। और जब हम इसे रोल कर बच्चे के टिफिन में देते हैं तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि इतनी सारी सब्जियां वो खा चुके हैं, टेस्ट बहुत ही उम्दा होता है इसका। अब इसके ऊपर डालेंगे हम हरा धनिया और फिर हम डालेंगे चीज। अब चीज किसे नहीं पसंद भाई, सबको चीज पसंद है, लेकिन जो लोग पसंद नहीं करते हैं वो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें चीज लेनी है आपकी इच्छा अनुसार। अब बस हमें इसे रोल करना है, रोल करके हमें एक टूथपिक इस पर फंसा देनी है ताकि ये रोल अच्छी तरीके से हो और हमारा रोल जो है वो खुले नहीं, जो हमारी फ्रेंकी है वो बिल्कुल लपेटी हुई होनी चाहिए। तो बस लीजिए हो गई हमारी तैयार बॉम्बे स्टाइल आलू फ्रेंकी, बहुत ही खाने में टेस्टी है, बहुत ही लाजवाब स्वाद है, एक बार ट्राई इसे जरूर करिएगा। एक बार बनाएंगे तो आपका मन भी नहीं भरेगा, आप इसे बार बार बनाएंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगली लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।